हे हाय गाइस। गाइस, सो पिछले बार हमने एक वीडियो डाला था जिसमें रिचा ने अपने मेकअप के बारे में क्या क्या उसके पास है वो सारी डिटेल्स दी थी। और उस टाइम ने भी पूछा था कि आप लोगों को ऐसी भी वीडियो चाहिए जिसमें हस्बैंड डिड आई मेकअप, इट मीन्स मैं रिचा का कोई मेकअप करूं और किस तरीके से मेकअप मैं ट्राई करता हूँ फर्स्ट टाइम, कैसा निकल के आता है। सो कई लोगों ने कमेंट किया था, हाँ वी वॉन्ट वीडियो लाइक दैट। सो टुडे इज द डे, आज छुट्टी भी है, वीकेंड भी है, टाइम भी है, तो आज सो मेरा भूत बनाने का प्लान है। क्यों ना किसी को भूत बनाया जाए। भूत नहीं बनाएंगे वैसे ऑब्वियसली। अपनी तरफ से बेहतरीन की ट्राई करना प्लीज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत बेसिक चीजें रहती हैं जो हम करते ही हैं इस्तेमाल कहीं तैयार होने के लिए, तो वो वाला सामान मैंने दिया है, देखते हैं क्या करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस, पता नहीं क्या एंड करेंगे। इस बार माइक लगाए हो तो आई होप सबको आवाज भी सही आ रही हाँ होगी, नहीं आ रही होगी देन अगेन माइक चेंज करना पड़ेगा। आप कमेंट करके बताना इस बार आवाज साउंड थोड़ी क्वालिटी कैसी हाँ है। बेहतर है। नहीं तो काफी सारी चीजें हैं, वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चीजें कहाँ जाएंगी। लेट्स ट्राई। मैं थोड़ी चीटिंग कर लूंगा कि मैं पढ़ लूंगा डिस्क्रिप्शन में वो चीज कहाँ जाती है, ये सब अलाउड नहीं है, सब अलाउड है। आपको ध्यान देना चाहिए ना जब मैं और रेडी मैंने होती मैंने हूँ। पिछले बार वीडियो देखी हुई है। सो मैं ट्राई करूंगा जो भी निकले दिल से निकले मेकअप जैसा मैं चाहता हूँ, और थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी भी, क्योंकि ये तो मेरा कैनवस है, सो कैनवस के ऊपर तो क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। सो आई विल ट्राई दैट ओनली। सो देखते हैं क्या निकल के आता है। आप लोगों को फन आएगा इस ब्लॉग में, एंड तक बने रहना, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ मजा आने वाला है। मैं ही देखूंगी जब तक कि पूरा नहीं हो जाता कंप्लीट, मम्मी का रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले तो ये अपने खूबसूरत बाल पीछे करो वरना ये भी रंग जाएंगे, ठीक हाँ ठीक है। है। सो पहले तो कैनवस को थोड़ा क्लीन करना पड़ता है ना, ऑब्वियसली कुछ गंदगी गंदगी तो कैनवस खराब नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए हमने रखा है ये वेट वाइप। तो इसका दो यूज है, पहले तो कैनवस को क्लीन करने के लिए जो भी डस्ट वगैरह है, देन अगेन जब मेकअप गंदा हो जाए उसको भी क्लीन करने के लिए। सो ये मैंने पहले रखा हुआ है, ये इससे पहले देखे अपना खतरनाक मेकअप मैं पहले क्लीन कर। करने के बाद भी क्या आएगा पता नहीं, राम जाने। राम नहीं जा रहे हम ही जाने क्या प्लीज जा। क्या पोछा मारो। सॉरी प्यार से करो भाई, क्या बदला ले लो। पूछे भी आ गई है वो भी काट के। सो मैंने कैनवस क्लीन कर दिया है, लेट्स ट्राई टू पेंट दिस। सो जैसे कि मैंने पिछले बार जानी बताया था कि प्राइमर लगता है सबसे पहले, सो प्राइमर लगाते हैं हाँ क्योंकि मेरे वॉल्स पे भी प्राइमर ही लगा था मैंने। तो वॉल्स में पहले रेखमाल लेके आए थे जो खुरदरा पेपर होता है उससे रगड़ा था ताकि चिकनी हो जाए सरफेस, तो वही मैंने इससे वेट वाइप से वही ये बिल्कुल कैसे एक बार की तरह ही मारा है आपने, हाँ रे बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ एक मुझे। बार की तरह आ रहा है ताकि खुरदरापन हट जाए, देन अगेन पेंट इजीली हो जाएगा ना। तो अब प्राइमर होता क्या है पहले तो वो सुन तो लिया इन्होंने, इनको पता तो है नहीं। मेकअप बेस यही होता है प्राइमर, और तो कुछ लगती था पाउडर जैसा जो मैं लगा, सही पकड़े ये हैं, ब्लैक क्यों है। सही पकड़े हैं, दिखा दो हाँ लोगों को। जेल सो है ये ब्लैक नहीं है, कुछ जल सा है, ये तो हमारा हेयर वैक्स लग रहा है। सो पहले उंगली से लगाते हैं, जैसे कि उनके पास एक वो होता है पतला सा उससे लगाते हैं, तो पहले हम वैसे लगाएंगे। क्या करेंगे। सॉफ्ट है नहीं, कौन मेरे हाथ प्राइमर नेक्स्ट चीज जो मैंने देखी है मोस्टली वीडियोस में, मतलब मोस्टली रेखा ने, मैं रेखा को भी बोलते हुए सुनता रहता हूँ, रिचा को भी सुना है। सो ये लोग फाउंडेशन यूज करते हैं नेक्स्ट प्राइमरी के बाद। फाउंडेशन फाउंडेशन क्या करता है मुझे पता है वो, जैसे कि अगर कुछ मतलब बराबर कर देता है टेक्सचर चेहरे के, अगर कुछ भी दाग धब्बे होते हैं ना तो उसको बराबर करने के लिए होता है। तो रिचा बार बार ना कहती थी बीबी क्रीम खत्म हो गया, बीबी क्रीम खत्म हो गया। सो उससे वहां से मुझे आइडिया है कि बीबी क्रीम लगाते हैं नेक्स्ट, या तो फाउंडेशन लगा सकते हैं। सो इनमें से कोई एक ट्राई करते हैं, ट्राई ये तो मुझे खाली सा लग रहा है, इसमें ज़्यादा होगा नहीं, तो लेट्स उसे फेंकते हैं, फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं। और मुझे पता नहीं क्वांटिटी ओ माय कितनी यूज़ करनी गुडनेस, है। ये भी उंगली से ही ट्राई करते हैं उसको। डरने के नहीं, आग बंद रखो।
मुझे ऐसा धक 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 होने लगा है। क्या करो, क्या आई कैन फील इट, दुनिया भर का पूछ लगा दू। मेरा पिछला मेकअप वो लगा के बहुत ज्यादा हो गया, वो कैमरे की वजह से था, बट इस बार बहुत ज्यादा असल में हो रहा है। क्या किया आपने? सही बराबर नहीं वो हो गया, टेक्सचर बराबर हो गया, हो गया, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो गया बस, सा ज्यादा। ये हटता कैसे अगर ज्यादा हो जाता है तो? लाइट करो, करते अरे हटा रहा था ना, कैसे खतरनाक ऐसे नहीं हटता, तरीके ऐसे हट नहीं रहा है पर ठीक लग रहा है मुझे तो। आंखों ना से कि आपने, मैं देख भी नहीं सकती। ब्लेंड थोड़ा कम कैसे कर सकते हैं इसे, ब्लेंड करो नहीं तो उसको थोड़ा सा जरूरी इसे ब्रश से ब्लेंडर पे देखो पर। अरे एक चीज और अच्छी होती थी यार, मैंने देखा कि और ट्रिक देखी थी तेरी भी अच्छी ट्रिक थी, यहाँ पे पहले क्या करते हैं ना लिपस्टिक लगा लेते हैं देन ब्लेंड करते हैं, उससे क्या होता है ना वो गले पे गले के गाल पे वो आ जाता है कुछ कॉन्टो 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 ग्लो, ये ग्लो। सिंदूर है। ये भगवान बचा अरे लो, प्राइमर प्राइमर लगा रहा, हो चुका अरे है। प्राइमर नहीं ये लाली वाला, नहीं नहीं ब्लेंड करेंगे क्या करोगे, ब्यूटी ब्लेंडर भी रखा है, ब्यूटी ब्लेंडर पर, ये दिस इज ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने नहीं बताया इनको, पता चला ओ वाह क्या? अच्छा हाँ टुल्लू चप्पल, अगर ये मेकअप अच्छा निकल के आया तो हर बार आपको ही करना पड़ेगा। कंसीलर कुछ होता है कंसीलर तो हमने आज कलर किया है थोड़ा सा स्किन में, तो वही ट्राई करते क्या कर लो, अपने सब मिक्स कर दिया ये। हैं। वाह लुक्स फैंटास्टिक, एकदम ऐसा पेंटिंग की तरह कर रहे हो आपको। सो अब हम जा रहे हैं आंखों पे आई शेडो लगाने, आज थोड़ा सा गोल्डन ट्राई करते हैं, गोल्डन चुन्नी दिया है, गोल्डन चुन्नी साथ गोल्डन आईब्रोज भगवान मेरे बचा लो, मुझे क्या होने वाला है आज। आग बंद। ऐसा काजल लगाते हैं ना काजल, कल पता है काजल क्या है, खतरनाक चीज करने वाले हो भगवान, मुझे शक्ति दो प्लीज। तो काजल आंखों में ना चले हम थोड़ा सा नीचे ट्राई करें ठीक है ना, नहीं मैं नहीं इसलिए लेना चाहता नहीं इसमें तो और भूत बन जाऊंगी मैं, करना चाह रहे हो क्या? कर रहे हो कहाँ तक लगाओगे? अरे अरे इतना काजल कौन लगाता है? इसको ऐसा राउंड करना है। मैं थोड़ा सा उल्टे हाथ से कर रहा हूँ, हंसो मत, हंसने की जरूरत नहीं, अरे तो सीधे हाथ से ऐसे कैसे जाएगा, कितना
अरे ये थोड़ा अलग तरीके का है यार, इट इज नहीं न्यू। मैं देख भी नहीं सकती हूँ कि मेरे चेहरे के साथ हो क्या रहा है। ये कुछ नए ब्रशेस हैं, तो इसके कौन करते हैं क्या? इसके लिए बोल मत भी कम, देना आके। हाँ इसके लिए भी कम नहीं आती है। वाह, इसको ना ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं। आईब्रोस का रहन दो, आंख फूट जाएगी मेरी। आंखें ही बंद करनी पड़ेंगी, इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी। हाथ हटाओ, क्या अरे वो थोड़ा हाथ फिसल गया। अरे वो साफ कर दूंगा, रुको साफ कर दूंगा। ऐसी फोटो आती है आपके पास मेरी तो क्या करते हैं आप? इनका रिएक्शन देखो। क्या करते क्या करते एक बार देखते आंख बंद करके दिखा दो उधर कैमरे पे। पता नहीं भगवान जी क्या किए। बस बस, ओ नाइस। इतना भर भर के क्यों लगा रहे हो? जो कर रहा होंगे क्या? ऑलरेडी बनाई चुकी हूँ क्या? अरे मैं अच्छा हुआ आपका। और क्या रहेगा भगवान? उल्टा उल्टा और कुछ तो होता नहीं है, तो मैं और भी सवाल रखा देखो जरा। लास्ट फाइनल टच देने जा, इसके बाद एक बिंदी पे। सॉरी, बस अब हम लास्ट बिंदी। मेरा दिल धड़क रहा है जोरों जोरों से कैमरे में देखते हुए। इसीलिए हिम्मत नहीं हो पा रही है। मुझे लगता नहीं है मैं नीचे जाऊंगी मम्मी का रिएक्शन कैप्चर करने। तो अभी आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं, मतलब रिचा भी अपना फाइनल लुक देखेंगे। भगवान सो प्लीज कैमरे डरना मत को थोड़ा सा मैं पास ले आता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। या कैन टर्न अराउंड। असल में थोड़ा सा ना वैसा डिजाइन बना, वो ऐसे नहीं निकालते आगे ऐसे करके, ऐसे हल्के ऐसे करते, मैं वैसा करने की कोशिश कर रहा था। चुड़ैलिश। अच्छा आई शेडो तो देखो कितना बढ़िया लगा है। और ये जो यहाँ ऊपर पूरा का पूरा आ गया, ये लिपस्टिक दिख रहा गॉड क्या तो आज बाहर चले, जाना मुझे कहीं जाना नहीं। और बिंदी ऐसे कौन लगाता है इतना ऊंचा? बाकी तो ठीक है। और ये फाउंडेशन वगैरह, फाउंडेशन तो चलो ठीक लग रहा है। घी क्या है यहाँ पे इतना? आपको नहीं पता इतना चमका के कौन लगाता है? ब्रश? अब क्या हो गया? रुको रुको, क्या बना दिया मेरा? अच्छा तो है। देखो ये वाला पोर्शन ना, एक्चुअली देखो गाइस ये वाला पोर्शन इतना सिर्फ इतना ही देख रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली लुकिंग गुड, बट जब आप यहाँ जाते हो तो जो कलाकारी है ना फोक पेंटिंग, इसने सब बर्बाद कर दिया यहाँ पे। ही कुड हैव डन इट बेटर, मगर नहीं, इतना आज तो सारी कलाकारी निकलेगी। क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है कि मैंने कैसा मेकअप किया, कितना घटिया मेकअप किया है आपने। ठीक यहाँ पे इन्होंने वो मछली पकड़ने वाला कांटा, सही सच्ची बिल्कुल ऐसे देखो छतरी का पीछे का पोर्शन होता है ओ भाई, गॉड। कितने सारी चीजें निकाल दी एक चीज में से ही। असल क्या बना में दिया? ना, असल वो देखो पहले देखो ये देखो इतना देखोगे ना फिर भी इतना, तो आपको अगर मेकअप देखना है ना तो प्लीज आप आंखें बंद करके पार्ट पार्ट में देखोगे तो शायद आपको थोड़ा कुछ समझ में। ये देखो इतना इन्होंने फिर भी ठीक अरे वो किया, थोड़ा वो ना ऐसा सही से जा नहीं रहा तो था। उल्टे हाथ से क्यों कर रहे थे आप? क्या चले मैं मम्मी को किया? दिखाएं। जाना तो पड़ेगा, मम्मी का रिएक्शन तो कैप्चर करना ही पड़ेगा। आप लोग भी लिख के बताओ क्या किया है इन्होंने, कौन सा क्या क्या जानवर, क्या कलाकार, क्या जोकर आपको याद आ रहा है मुझे बताना। और आप लोग कमेंट करना, मुझे नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बेहतर होने की कोशिश मैं करूंगा। हो गया, बस हो गया, हो गया। माफी सो नेक्स्ट माफी टाइम भी ट्राई माफी, करते हैं। नहीं चाहिए माफी। तो चलो इससे पहले मम्मी का रिएक्शन भी ले लेते हैं। बच्चे
सो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी मम्मी को दिखाने। मम्मी इधर बैठी हुई हैं मोबाइल में कुछ कुछ देख। आपको कुछ दिखाना है। बंद यस करो वो, बंद करो। आओ, मैंने ऋचा का आज मेकअप किया है। रुक जाओ, मेरे पीछे ही रहना। अभी ऋचा का मेकअप करा मैंने तूने फर्स्ट टाइम, तो रे आप बताना रिएक्शन देख के। चलो वहां बैठ जाओ, सामने चेहरा मत दिखाओ अभी, जाओ वहां जाके बैठ जाओ, उसके बाद दोनों का रिएक्शन नोट हो जाएगा। चलो चुन्नी वगैरह सब हटाओ। अरे अच्छा नहीं किया है। हाँ? असली भूतनी बना दिया है, ऐसे कार्टून बनाया कहाँ से? ये कलाकारी देख रहे हो मम्मी? ये तो पुराना जमाना, किसी हीरोइन करती थी। हाँ वही 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 मधुबाला। ए बाबा, तो भूतनी बना दे ले। देख लो, देख लो क्या कलाकारी निकाली है। कौन बोला इसे इसको लेकर है? खुद ही किया इन्होंने। हाँ इधर देख रहे हो, इधर देख। अरे मेरे से तो हम कर देती है। अब मम्मी तो बहुत अच्छा करती है। तो सीख रहे हैं, मम्मी ने तो कितने बार कर लिया है ना। हाँ बिल्कुल गंदा है, अच्छा नहीं है। अच्छा वो तो वो कपड़े से रोने लगा। अथू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इस अभी तो ये कह रही कि बाहर चलते हैं खाने पी के आते हैं। खाना नहीं देखेंगे, इसी को देखेंगे, खाना नहीं खाएंगे सब। ट्राई करते हैं एक बारी ये नहीं डेर आ रहा में। मुझे मैं घर में घर की दाल रोटी खा के खुशी, मुझे नहीं खाना कुछ भी। जाओ जाओ समोसा खिला के लेके आओ। चलो पापा के पैर छू लो। पापा जी डर जाएंगे। ये कौन आ गया? क्या किया, क्या किया है? और भी है तो ढंग से लगा रहा था ना, इसे आ जाए। तेरी मम्मी को मैं लगा रहा था, मैं तो किया था। पापा जी बहुत अच्छा मेकअप किया था इन्होंने, पता नहीं क्या बना दिया। वहां देखो स्क्रीन पे क्या चल रहा है। पापा यहाँ पर हमारी सगाई की वीडियोस देख रहे थे और अब ये देख लिया। लगता है पास हो गए मैं सबकी तरफ से। क्या पास? नहीं बहू का मेकअप किया है, इसके बारे में देख करके जरूर आप लोग कमेंट करना। वैसे मैं भी आंटी जी का मेकअप करके आप लोग को दिखाया था, हालांकि फर्स्ट बार वो था, मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा था, तो रेखा थोड़ा बता देती थी, मैं कर दिया था। तो इनके मेकअप के बारे में जरूर आप लोग कमेंट लिख करके देना, भर भर कर देना। बहू बेटियों बच्चियों नाती पोता जमाई, भगवान के भोले बाबा के दिन सावन का महीना चल रहा, और मेरे तरफ से बहुत बहुत भर भर के बेटी बहू के बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे बच्चे प्यारे प्यारे को, और बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद तो हरदम देती हूँ। और लड़का ने किया अचानक ले, इसे अच्छा तो मैं मेकअप किया था पम्मी के और आशा के, रेखा रेखा सब नहीं किया ऐसे ऐसे बना दी। पहले जमाने में लोग ऐसे खींच देती है, ऐसे बना दिया मोच बना दिया मोच। और आप लोग बता रहे कि कैसे मेकअप किया है, मेरे को तो उतना अच्छा नहीं लगा, ये तो बिना मेकअप के अच्छा लगती है। सो गाइस हम इस वीडियो को एंड करने वाले, मैंने जो मेकअप किया है आप लोग कितना नंबर देंगे उसको कमेंट करना कि आपको कैसा लगा वो मेकअप। सो मेरी तरफ से तो 10/10 है। बताऊँ आप कितना नंबर दोगे? मैं तो 50 दूंगी, 50। 10 में से देना है? 10 में से 10 में से 5 5 चलो आप नहीं नहीं 10 में से 10 हम इसलिए देंगे, अगर जो काम कभी किया नहीं है आज पहली बार किया है, इसलिए उसको प्रोत्साहन के लिए आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना नंबर देते हैं। आप लोग जरूर आंटी के लिए कमेंट लिख करके देना, ये पढ़ती है अपने आप तो और खुश हो जाती है और आशीर्वाद देती है, इसलिए आशीर्वाद लेना है तो हिंदी कमेंट जरूर आप दीजिए। एंड गाइज आपको पापा की शर्ट कैसी लग रही है? अभी अभी हमने नई मंगवाई है, ये ऑलमोस्ट जैसे मैंने लास्ट टाइम पहनी थी वैसी है, थोड़ी सी अलग है, मुझे तो बहुत पसंद आई। मम्मी और पापा का शर्ट मैचिंग बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है, बहुत मुलायम है। अगले वीडियो में भी शायद गया हुआ है, एक फोटो में गया हुआ है,
तो उस समय मंगाए थे, मैं बोला कि आज इसी को पहनता हूँ। तो कमेंट करके बताना पापा जी की शर्ट कैसी लग रही है आप लोगों को, मेकअप कैसा लग रहा है, ये कलाकारी जो इन्होंने किया है यहाँ पे इसके लिए ये तो वेरी वेरी नाइस, वो पुराना जमाने का ये मेकअप है। तो ऐसा भूख नहीं लग रहा कपड़े टांगने वाले है ना। चलो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, बहुत लंबी हो रही है। सो कमेंट करना आपको मेकअप कैसा लगा, नंबर जरूर देना एंड शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको भी हंसी का मौका मिलना चाहिए। अच्छा ये हंसी मतलब हंसी का पात्र है ये, कोई नहीं। और लाइक द वीडियो अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो, ना भी आया हो तब भी लाइक कर देना क्योंकि इतने सारे एफर्ट्स के हमने आपके लिए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हमें 100K रीच करना है जल्द से जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।